आपका क्वेश्चन है, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ 18 मीटर्स इनटू विड्थ इज 15 मीटर्स, ठीक है। अ पिट 7.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 0.8 मीटर्स डीप इज डग इन अ कॉर्नर ऑफ द फील्ड एंड द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। फाइंड आउट द एक्सटेंड टू विच द लेवल ऑफ द फील्ड हैज बीन रेस्ड, ठीक है ना। तो इसको आप समझो, इसने क्या कहा। सबसे पहले इसने कहा देयर इज अ फील्ड, ठीक है। तो फील्ड हमारा कौन से शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। तो दिस इज योर 18 मीटर्स, लेंथ इज योर 18 मीटर्स एंड द ब्रेथ इज योर 15 मीटर्स, ठीक है ना। अब इसने क्या कहा, देयर इज अ पिट। तो पिट कहां पर है? एट द कॉर्नर ऑफ दिस फील्ड इज द पिट, 7.5 मीटर्स लॉन्ग। तो दैट मीन्स आपका पिट इज समवॉट हियर, यहां पर है। दिस इज योर पिट, ठीक है। पिट का डायमेंशंस क्या है, वी विल राइट दैट। तो पिट के डायमेंशन इज, लेंथ कितना दे रखा है, 7.5 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 6 मीटर्स ब्रॉड, तो ब्रेथ इज 6 मीटर्स एंड द डेप्थ इज 0.8 मीटर्स। तो दैट मीन्स हाइट इज 0.8 मीटर्स, है ना। तो नीचे की तरफ का हाइट है, दैट इज योर डीप ना। अब इतना करने के लिए उसमें से मिट्टी निकली है, तो वॉल्यूम ऑफ द मड फ्रॉम द पिट, है ना, उसी मिट्टी को हम इस फील्ड के ऊपर डालेंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स व्हाट वी शुड नो फर्स्ट, सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि कितने एरिया के ऊपर हमको मिट्टी डालनी है। यहां से जो मड निकलेगी तो कितने एरियाज में इट विल गो, उसके ऊपर आपको डालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ दिस पिट, देन यू विल गेट द रिमेनिंग एरिया जहां पर आपको फैलाना है। तो दैट इज योर रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ पिट। तो देखो क्या हो रहा है, आपका एरिया ऑफ द फील्ड क्या होता है, 18 इंटू 15, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो 18 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ द पिट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, 7.5 इंटू 6, ठीक है ना। तो 7.5 को हम मल्टीप्लाई करके देखो दोनों को, तो आपका कितना आ रहा है देखो, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 इज 9, 9 8 एंड 1, तो आपका आ गया 270 माइनस, नाउ ये दोनों को करो, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 3 इज 45, पॉइंट इज देयर, दैट मीन्स 45। तो अब आपका ये कितना हो गया देखो, 7 में 5 गया, सॉरी 0 45 है ये, तो 0 में 5 गया, आपका आ गया 5। 6 6 में 4 गया इज योर 2 एंड 2, 225 मीटर स्क्वायर इज द एरिया जहां पर आपको मड को स्प्रेड करना है, ठीक
ठीक है. नाउ वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द मड फ्रॉम द पिट. तो नाउ वॉल्यूम ऑफ मड फ्रॉम पिट दैट इज इक्वल टू 7.5 इंटू 6 इंटू 0.8. ठीक है. तो हमने किया है 7.5 इंटू 6 इज 45 है ना. तो 45 इंटू 0.8 तो इंटू 0.8 तो हमारा देखो कितना आ रहा है 8 5 40 4 कैरी 8 4 32 + 4 = 36 तो आपका आ गया 36.0 meter cube और यू कैन से 36 meter cube इज द वॉल्यूम ऑफ द मड जो आपने पिट में से निकाला. ठीक है. नाउ अब आपको इसको स्प्रेड करना है रिमेनिंग एरियाज में. देन वी हैव टू टेल कि इसका इतना हाइट इंक्रीज हो गया तो दैट मींस वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड एरिया दैट इज इक्वल टू कितना होता है आपका सेम चीज करना है आपको रिमेनिंग का आपका एरिया इज दिस है ना. तो एरिया इज 225 इंटू हाइट इज द वॉल्यूम इंटू हाइट है ना. तो v इज इक्वल टू a इंटू h. आप देखो हमने क्या लिखा है v इज इक्वल टू l इंटू b इंटू h बट l इंटू b इज एरिया तो एरिया इज 225 एंड h वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज इक्वल टू 36. ठीक है. दैट इज इक्वल टू 36. नाउ तो h कितना हो गया आपका 36/225. ठीक है. नाउ अब हम इसको कट करते हैं. देखो क्या आ रहा है आपका 5 से कट करो ये आ गया आपका 25 है ना. सॉरी 45. ठीक है. फिर इसको 5 से कट किया हमने तो ये आ गया हमारा 7.2. ठीक है. नाउ फिर हमने इसको कट किया 9 से तो आ गया आपका 5. इसको 9 से कट किया हमारा आ गया 0.8. ठीक है. फिर इसको 5 से कट किया हमने तो ये हमारा आ गया 0.16 meters. तो वी कैन से हाइट इज इक्वल टू 0.16 meters और इन सेंटीमीटर्स में करोगे तो इंटू 100 कर दो तो यू विल गेट 16 centimeters. तो दैट इज द हाइट जो आपकी रेस हुई फील्ड के ऊपर. ठीक है.